हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बनाएंगे होली पे स्पेशल खाने वाली गुजिया की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रेनर में ले रही हूँ 2 कप मैदा। इसे हम अच्छी तरह से छान करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सारा मैदा मैंने अच्छे से छान लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। तो मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो भी घी इस्तेमाल कर रहे हों वो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी डालने से जो इसका फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब अच्छी तरह से हम इसको मैदे में मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसे अच्छे तरह से मैदे में मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए, हमने अच्छी तरह से मैदे में घी को मिक्स कर लिया है। आप ऐसे एक मुट्ठी में इसे हाथ में लेकर के चेक कर सकती हैं कि अच्छे तरह से ये मिक्स हुआ है या नहीं। अगर आपको लगे कि हाथ में बाइंड नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा घी इसमें और डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसका एक डो बना करके तैयार कर लेंगे। 2 कप मैदे में सिर्फ आधा ही कप हमें पानी लगा है इसे बनाने में। तो आप ध्यान दीजिए कि इतने ही पानी से हम सारा आटा हमारा बना करके तैयार कर लेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे ही हम हमारे आटे को लगा करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे रेसिपीज़ को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देखिए, जहाँ पर जो आटा है बिल्कुल बन करके तैयार है। तो अब हम इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे हम साइड में आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए हम जब तक स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। इसी में बनाएंगे हम हमारी जो अंदर हम गुजिया की स्टफिंग करेंगे वो इसमें हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 कप मैं सूजी ले रही हूँ। ये बिल्कुल बारीक वाली सूजी मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यही सूजी आपको लेनी है। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, बस हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। तो अब हम इसे भून लेंगे ऐसे ही हिलाते हुए। तो लगातार आप इसे हिलाते रहें। अगर आप तेज़ आंच पर भून रहे हैं तो इसे आप ऐसे ही जल्दी जल्दी से हिला लें, नहीं तो आप इसे कम आंच पर भी पका सकते हैं। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस एक खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तब तक ही हम इसे भूनेंगे। तो मुझे इसे भूनने में 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप भी इसी तरह से इसको भून करके तैयार कर लीजिए। जैसे ही हमारी जो सूजी है थोड़ा थोड़ा सा घी छोड़ना शुरू कर देगी तभी हम इसमें बाकी सामान डाल देंगे। तो 5 मिनट भूनने के बाद देखिए, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी आधे से भी कम नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप फ्रेश नारियल को घिस करके भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसे भी हम 2 मिनट तक सूजी के साथ भून लेंगे, क्योंकि इससे जो कच्चापन है नारियल का वो चला जाएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। तो बस 2 ही मिनट तक हमें इसे भूनना है। अब मैं 1/2 कप चीनी इसमें डाल रही हूँ और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ इसमें कटा हुआ नारियल, थोड़े से मेरे पास अखरोट थे और बादाम, मैं सभी को काट करके इसमें डाल दूँगी। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं वो भी अच्छे से इसमें रोस्ट हो जाएँ। तो आप इसे लगातार हिलाते रहें और यहाँ पर जो गैस की आंच है उसे आप बिल्कुल धीमा कर लें, क्योंकि हमारी जो सूजी है वो कुक हो गई है। बस हमें हल्का सा ड्राई फ्रूट्स को ही रोस्ट करना है इसमें। तो आंच को आप धीमे पर ही रखें। तो
तो यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश और इसे हम 2 मिनट के लिए और चला लेंगे ताकि जो किशमिश है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो अब हम इसको 1 मिनट पकाने के बाद गैस को बंद कर लेंगे और इसे हम ऐसे ही हिला करके थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि अभी जो हमारी कढ़ाई है वो थोड़ी सी गर्म है। तो ये देखिए जो हमारा आटा है वो भी अच्छे से हो गया है। अब हम अपने हाथों से इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही मसल लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाए। तो ये देखिए आटे को अच्छी तरह से हमने सॉफ़्ट कर लिया है। अब हम इसका एक रोल बनाएंगे और इसके हम पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर छोटे छोटे से मैं इसके पेड़े बना लूँगी। तो बस हमें इतना सा ही पोर्शन लेना है और हम सभी इसी तरह से इसके डिवाइड करके हिस्से इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो बिल्कुल टाइट हाथों से हम इसका जो पेड़ा है बना करके तैयार कर लेंगे। उस पर किसी भी तरह का कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ पेड़ा आप बना करके तैयार कर लें। तो ये देखिए इसी तरह से बिल्कुल टाइट हाथों के साथ मैं पेड़ा बना करके तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए इतने साइज़ का ही पेड़ा हमें चाहिए। तो सारे पेड़े इसी तरह से मैं बना करके तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर सारे पेड़े हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट बन चुके हैं। अब हम बनाते हैं गुजिया। तो मैंने एक चकले के ऊपर इसे एक पेड़ा ले लिया है और हम इसके बेल करके एक रोटी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल पतली रोटी हमें बेल करके तैयार करनी है। ज़्यादा आप इसे मोटा ना रखें और ना ही ज़्यादा पतला रखें, बस बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, नहीं तो जो गुजिया है वो फट जाएगा जैसे ही हम स्टफिंग करेंगे। और अगर ज़्यादा मोटी होगी तो वो बिल्कुल भी कुरकुरा नहीं बनेगा। तो आपको बस एक मीडियम सी रोटी इसकी बना करके तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसकी रोटी बना करके तैयार कर ली है। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक गुजिए का सांचा है, उस पर मैं इसे अच्छी तरह से फैला लूँगी और इसी के बीच में मैं स्टफिंग रख दूँगी जो हमने बना करके तैयार की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तभी हम इसमें स्टफ़ कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि बिल्कुल ठंडी हो जाए जब स्टफिंग, तभी आप इसमें स्टफ़ करें। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच स्टफिंग डाली है और साइड्स में हम पानी लगा करके इसको टाइट हाथों के साथ ऐसे ही सांचे को दबाते हुए तैयार कर लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा आटा बचा है उसे हम ऐसे ही निकाल देंगे और हल्के हाथों के साथ आप इसे खोल लें। तो ये देखिए कितना अच्छा जो गुजिया है बनकर के तैयार हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी शेप बन गई है। तो इसी तरह से हम सभी गुजिया बना करके तैयार कर लेंगे। तो आप स्टफिंग अपने सांचे के हिसाब से कीजिए इसमें। जैसे आपके पास थोड़ा छोटा सांचा है तो आप यहाँ पे 1 चम्मच स्टफिंग ही इसमें डालें। अगर ज़्यादा आप स्टफ़ कर देंगे तो जैसे ही हम उसे दबाएंगे तो साइड्स में वो निकल जाएगी स्टफिंग। तो ये देखिए इतनी पतली ही रोटी हमें रखनी है, ना ही ये ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है, बिल्कुल आसानी से ये बन करके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा भी मैं इसी तरह से बना करके तैयार कर लूँगी। इसमें भी हम वैसे ही स्टफिंग डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। होली पर इसे बहुत बनाया जाता है तो आप इसे ज़रूर बनाएं, बना करके ज़रूर खिलाएं अपने घर वालों को, बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी। तो जहाँ पर हम पानी लगा रहे हैं वहाँ पर हमारी सूजी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो जो गुजिया है वो साइड से बंद नहीं होगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें आप। तो ये देखिए बाकी भी गुजिया इसी तरह से मैं बना करके तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर दूसरा गुजिया भी हमने बना लिया है। तो ये देखिए ये भी कितना अच्छा बन गया है। तो इस सांचे पे मैंने किसी भी तरह का घी या ऑयल नहीं लगाया है, क्योंकि जो हमने आटा तैयार किया था
उसी में हमने घी डाल दिया था, इसीलिए ये चिपक नहीं रहे हैं। तो ये देखिए सारे गुजिए मैंने बना करके तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसे घी में फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी घी में या तेल में इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मीडियम हीट ऑयल में इसे फ्राई कर लूँगी। तो गैस की आंच को हमें तेज़ नहीं रखना है, बिल्कुल मीडियम रखना है। अगर आप ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो इसीलिए मीडियम आंच पर ही आप इसे पकाएं। धीरे धीरे से इसे पकने दें, और इसे पकाने में मुझे फ्राई करने में 5 मिनट लगे हैं, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार होगी आपकी गुजिया। तो जैसे ही एक साइड थोड़ी सी पक जाए हम उसे पलट देंगे और दोनों साइड से गोल्डन होने तक हम इन्हें पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी सामग्री मैंने बताई है और जो भी मेथड मैंने बताए हैं उसी के हिसाब से आप इसे बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है गुजिया। तो इसे एक बार आप ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर दोनों साइड से हम पलटते हुए इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से हमारी जो गुजिया है गोल्डन हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप हल्के हाथों से इसे धीरे से बाहर निकाल लें। तो ये देखिए देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।